हेलो एवरीवन, मैं भारती चावला। वेलकम टू अवर चैनल टेक्स फॉर वेल्थ। आज राकेश जी हमारे साथ हैं, जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं। तो राकेश जी से हम बात करेंगे मार्केट के कंडीशन के बारे में। तो राकेश जी, ऑलरेडी मार्केट पूरा रेड हुआ पड़ा है, तो आप हमें ये बताइए सबसे पहली चीज़ कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो क्या करें, और जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रखा, जो ऑलरेडी एंटर करना चाहते हैं, तो वो क्या करें। दूसरी चीज, अभी अभी हमें पता लगा कि ट्रंप जी जो हैं, ट्रंप महाराज जी कहेंगे हम उन्हें, कि उन्होंने अभी अभी इमरजेंसी यूएस में घोषित किया है, तो अब उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। तीसरी चीज हम ये बात करेंगे कि कोरोना वायरस का ऑलरेडी रायता फैल रखा है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, तो अब इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा और ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है इसका। तो क्या आप हमें इस बारे में बताएंगे थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस की, क्योंकि कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किया है। करीब 5000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है, बहुत ही दुखद है। और साथ में इसकी वजह से ऑलरेडी इकॉनमी में स्लो डाउन था, ग्लोबली स्लो डाउन था, और इकॉनमी रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोरोना वायरस ने उसको और झटका दे दिया। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, WHO ने इसको महामारी घोषित कर दिया है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि 125 देशों में ये बीमारी फैल चुकी है। अगर हम बात करें OECD की, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ का जो अनुमान है, इनकी जो ग्लोबल ग्रोथ थी कोरोना वायरस से पहले 2.9% के रेट से ग्रो करना था ग्लोबल इकोनॉमी को, उसको उन्होंने घटाकर 2.4 कर दिया है, और हो सकता है अभी आगे आने वाले टाइम में अगर और ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ तो वो केवल 1.5% से ही ग्रो कर पाएगी इकोनॉमी। तो एक स्लो डाउन का बहुत बड़ा खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा है। अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट पिछले कुछ दिनों में काफ़ी गिर चुका है। अगर हम इस मार्केट को, अब हम एक बार आपको चार्ट देखेंगे, आप चार्ट से आपको पता चलेगा। अगर हम बात करें इसको, कुछ लोग इसको 2008 से कंपेयर करने की बात कर रहे हैं कि 2000 क्या ये 2008। इसमें मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी। ऑलरेडी फ्राइडे को देखा गया था कि सुबह मार्केट डाउन थी, एकदम से ही रात को वो उठी, तो इसका बॉटम क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसी पे मैं अब आपको बताता हूँ कि देखिए 2008 में, यानी 9 जनवरी 2008 को निफ्टी ने 6357 का एक हाई बनाया था जी। और उसके बाद से लगातार मार्केट डाउन हुआ, और 27 अक्टूबर 2008 को, यानी करीब 10 महीने में मार्केट ने 2253 का लो लगाया, यानी कि अपने हाई से मार्केट करीब 65% डाउन हुई थी 2008 में। तो अगर हम उससे कंपेयर करें, लेकिन जी, उससे अगर हम कंपेयर करें तो अभी मार्केट ने 17 जनवरी 2020 को 12385 का हाई लगाया था, और जो कि अभी फ्राइडे को 13 मार्च को मार्केट ने करीब 8400 का लो लगाया, जो कि करीब 31% डाउन है केवल 2 महीने में। वहाँ 65% डाउन होने में 10 महीने लगे थे, और यहाँ केवल 2 महीने में 31% डाउन मार्केट हो गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जब मार्केट वहाँ 2008 में डाउन हुआ था, अक्टूबर 2008 में करीब 65% गिरा था, तो उसके बाद 5 नवंबर 2010 को मार्केट ने, यानी 2008 से 2010, यानी करीब 2 सालों में मार्केट ने 6338 का हाई लगाया था, यानी कि जो अपना लो था 2253, उससे अगर हम बात करें 6338 की, तो करीब 181% का रिकवरी किया था मार्केट ने। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो फॉल हैं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनको एवरेज करने के लिए, और जो लोग नए हैं जो मार्केट में एंटर करना चाहते हैं उनके लिए तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आज की डेट में वो एंटर करेंगे तो अगले 2 से 3 सालों में उनको बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलने की गुंजाइश है इस मार्केट में। तो राकेश जी, अब मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ स्टॉक मार्केट में? हाँ, अगर कुछ लोग कहते हैं कि क्या मार्केट में, कुछ लोग कह सकते हैं कि मार्केट में, हाँ कुछ लोग कहते हैं कि क्या मार्केट में बॉटम बन गया है जी। अगर हम डेटा एनालाइज करें, पिछले 10 साल का एवरेज डेटा एनालाइज करें, तो पिछले 10 साल का जो डेटा है उसका जो एवरेज निकल के आता है 15.5x
यानी पिछले अगले एक साल की जो अर्निंग है उनको अगर हम मतलब पी अगर मार्केट को दें तो 15.5 जो है वो ऑन एन एवरेज वो है लो, और आज की में जो हमारा निफ्टी है वो लगभग इसी जो 8400 के आसपास जब मार्केट गया है तो लगभग इसी 15.5x के आसपास था। तो कहा जा सकता है कि शायद मार्केट में बॉटम बन गया है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा है, ग्लोबल स्लोडाउन जिस तरीके से होगा, तो अभी ये पूरी तरीके से नहीं कह सकता कि पूरा बॉटम बन गया है। तो अभी हमें थोड़ा सा और कॉशन में रहना होगा। एक लास्ट क्वेश्चन राकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मुझे तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट के नॉलेज नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। तो जैसे मैं अगर 5,00,000 रुपए लगाना चाहती हूँ तो मैं कौन सी कंपनी पे इन्वेस्ट करूँ, पहली चीज, और दूसरी चीज ब्रोकर्स पे तो मैं विश्वास कर नहीं सकती, तो या तो मैं आप जैसा कोई एनालिस्ट है जिन पे भरोसा कर सकूं, तो आप मुझे ये बताइए कि मैं ये 5,00,000 कहाँ लगाऊं जिसमें मेरा भी कुछ फायदा हो, तो ये आप मुझे बताएंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसी जो मार्केट कंडीशन है, इस मार्केट कंडीशन में मैं आपको और सभी व्यूअर को यही सजेस्ट करूँगा कि अभी पूरा पैसा ना लगाएं, यानी कि अगर आप 5,00,000 रुपए लगाना चाहते हैं या 1,00,000 रुपए लगाना चाहते हैं तो उसका अभी जो मार्केट का लेवल है उस पर 20-25% आप मार्केट में अभी लगाएं। उसके बाद भी थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि जिस तरीके से अभी कोरोना वायरस फैल रहा है और जिस तरीके कंडीशन है, मुझे लगता है कि शायद अभी मार्केट का बॉटम नहीं बना है। हो सकता है मार्केट एक बार थोड़ा सा और नीचे आए, करीब मतलब हो सकता है, मतलब मैं चाहता हूं कि ना आए, लेकिन एक लेवल में दे सकता हूं कि शायद 7600 के आसपास तक मार्केट हो सकता है और चला जाए, तो आप 20-25% उस टाइम पे लगा सकते हैं, और बाकी अपना जो करीब 50% जो कैश है वो अपने पास अभी होल्ड रखिए, और कम से कम एक क्वार्टर या दो क्वार्टर अभी पोजिशन को देखिए किस तरह की क्या मार्केट में कंडीशन आती है, किस तरीके से जो है इकॉनमी रिकवर करेगी, किस तरीके से कोरोना वायरस का इफेक्ट कम होगा, तो उसके बाद आप उस 50% को लगा सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कंपनीज़ की, तो कौन सी कंपनीज़ में हमें लगाना है, इसके लिए सबसे पहली तो चीज़ ये ध्यान में रखिए जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं आप अभी उन्हीं में ही जाएं। जी। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये ध्यान रखनी है, जीरो डेट कंपनी यानी जिन कंपनी के ऊपर लोन नहीं है किसी तरह का, उन कंपनीज़ में जाएं। तीसरी चीज़ मार्केट लीडर्स के साथ जाएं, क्योंकि मार्केट लीडर को पता होता है कि इस तरह की खराब सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल करना है, तो उन्हें पता होता है। और चौथी चीज़ जो डिविडेंड यील्ड यानी कि जो अच्छा डिविडेंड देते हैं, उस तरह की कंपनी में आप जा सकते हैं, जैसे कि सरकारी कंपनियां बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड देती हैं, तो उनके साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि सरकारी कंपनियों बिजनेस मॉडल में कोई खराबी नहीं होती, ये मार्केट सेंटीमेंट्स हैं जो उनको उनके वैल्यूएशन को इस समय ख़राब किया हुआ है, जैसे कि ONGC है, जैसे कि NMDC है, जैसे कि आपका वेदांता है, हीरो मोटोकॉर्प है, आप अच्छी अच्छी कंपनी को मार्केट लीडर्स को आप देख सकते हैं और उनमें जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर भी कर सकते हैं और अच्छी रिटर्न आने वाले टाइम में कमा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच राकेश जी, आपने हमें मार्केट के बारे में बताया कि मार्केट के जो अप एंड डाउन चल रहे हैं और कोरोना वायरस का भी इस पर बहुत इफेक्ट हो रहा है, मार्केट दिन बर दिन नीचे जाती जा रही है। तो अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए, अगली वीडियो में हम आपको समझाएंगे। हम लोग Amazon Fire TV, Apple TV, IGTV, YouTube, वेबसाइट, हर जगह हम अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।